तो हमारे घर में आज दिवाली की पूजा अच्छी तरीके से तो नहीं मनाई जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी होगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पतिदेव लगे हुए हैं। शाम की पूजा में सोच रहे हैं थोड़ा भगवान की साफ सफाई कर देते हैं, तो वही लगे हुए हैं, भगवान को पूछेंगे, सब व्यवस्थित करेंगे, हेलो, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। दीपक जल रहा, जलेगा। ये ओल्ड दिया है सब, हमारा पिछले साल के ये दिए भगवान हैं। पूरे सेट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, अभी ये जलाए हैं, एकदम जमाए हैं, देख रहे हैं भगवान अंदर बाहर सब घुसे हैं। अरे कम से कम, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो भी हमने सामान अरेंज किया है वो सब कुछ हम लोग सेट कर रहे हैं, और पति देव भी पूजा कर रहे हैं। हम लोग इस बार नई मूर्ति तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन जो हमारी चांदी की पिछले साल की मूर्ति है वही सब रख के हम पूजा अपनी करने वाले हैं। लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुम्हाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उल्टा श्याम दुलारे तुम रखवारे, श्याम नहीं जानी, वो मेरे श्याम नहीं जानी। तो गाइस देखिए हमारे भगवान का स्नान ध्यान हो चुका है, और उनको हमने आसन में जो हम प्लेट लेकर आए थे धनतेरस के दिन उसमें हमने उनको बैठा दिया है, क्योंकि हम लोग नई मूर्तियां नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ विधिवत भगवान की पूजा इस बार अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो भी थोड़ा हम लोगों से हुआ है, जो मम्मी जी लोगों से हमने पूछा है अपने बड़ों से मम्मी कि कैसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि साधारण तरीके से पूजा कर लो, भगवान का भोग लगा दो बस। तो हमने वही सब किया है, भगवान को स्नान ध्यान करवाया, उनको कुमकुम चंदन का तिलक लगाया, फूल वगैरह सब चढ़ाया है, और अच्छे से मतलब मन से पूजा की है। अब देखिए अगले साल हम लोग कैसे मनाते हैं, अगर अच्छा हो और बढ़िया से रहेगा तो हम लोग अगली दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग अच्छे से दिवाली अपनी एंजॉय भी करेंगे। तो दिए भी हमारे पिछले साल की पुरानी दिए ही हमने जलाई है, क्योंकि नया दिया हम लोग इस बार नहीं जलाएंगे। तो पतिदेव अब मतलब पूजा की थाली नहीं, प्रसाद की थाली मतलब अरेंज कर रहे हैं, सारा प्रसाद जो वो लेकर आए हैं। तो भगवान का भोग तो हम लोग लगा ही सकते हैं, तो भगवान का भोग के लिए सारी थाली उन्होंने तैयार की है, और मेरे को पूजा करना नहीं था इसलिए सारा काम जो भी था तो वही कर रहे थे। और इसके बाद ये उन्होंने अखंड जोत जलाई थी, बोले थे कि मैं रात भर इसको जला के रखूँगा। मैंने बोला ठीक है, आपकी अगर श्रद्धा है तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर पति देव ने दिए जला दिए हैं, जो कि मेन 5 इसीलिए जलाए हैं कि कम से कम मेन भगवान की जगह में तो हम लोग रख ही सकते हैं। तो एक मतलब एक भगवान की जगह में रख देंगे और एक किचन में रख देंगे, इसी तरह हम लोग अपनी दिवाली कुछ साधारण तरीके से मना रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अब भगवान को जो मंजूर था हम लोगों ने वैसे ही किया है। तो पतिदेव अब रख रहे हैं एक दिया किचन में रख रहे हैं, और वंशु भी पीछे पीछे लगा हुआ है कि पापा छत चलो छत। तो मैं बोली पहले दरवाजे में रख देते हैं, तो एक दिया दरवाजे में रख दीजिए और एक मेन गेट में रख दीजिए, बाकी जगह तो हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से दिवाली मनाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है हम लोगों की दिवाली भी अगली दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं हम लोग। तो ऐसे ही हमने अपनी दिवाली कुछ मनाई है। उसके बाद पतिदेव छत में गए थे दिया रखने, फिर हमने लक्ष्मी माता को कुछ राशि चढ़ाई, और उसके बाद फिर पतिदेव की आरती चालू हो गई। मैया जी कौन इस दिन ध्यावत, हरे विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माँ। मंदरम पटि पीते मान हो तुलित रुचि तु, नामी जनक सुत बंधु दिन निज दानव दैत्य। तीन बार हो गया है। प्रसाद उठा के थोड़ी सी उनको टच करा दीजिए लक्ष्मी माता को।
तो अब भगवान का भोग भी लग चुका है और उनको हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया है और इस तरह से हमने अपनी पूजा समाप्त कर ली है। अब पतिदेव और हम सब ने आरती ली है, उसके बाद पतिदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान जो भी हमसे गलती हुई हो वो हमें क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखिएगा। वंशु को मैं बोल रही हूँ कि वंशु तुम पूजा में तो नहीं आ रहे हो, कम से कम बेटू भगवान के पैर ही छू लो। लेकिन बच्चा उसको क्या समझाएं, मानता तो है नहीं, बस अपना करना रहता है उसको। हाँ अब वहाँ भी हाथ जोड़ो, वहाँ भी हाथ जोड़ो, कैसे जोड़ते हो? हाँ हाँ, तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं छत में, थोड़ा बहुत मतलब फुलझड़ी और अनारदाना चक्री वगैरह जला रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे और उसके पापा बहुत ज़्यादा रहते हैं, लाइट जलाएंगे, दोनों दूर खड़े होकर देख रहे थे, उसके पापा फुलझड़ी जलाए हैं। आप लोग देख सकते हैं, उससे भी वंशु डर रहा था, वंशु खड़ा हुआ है कि पापा चलो। उसके बाद फिर मैंने चक्री वगैरह जलाई, तो कुछ इस तरीके से हमने अपना दिवाली का फेस्टिवल मनाया है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसा रहा कुछ हमारा दिवाली का त्यौहार, और आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। चलिए मिलते हैं हम लोग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।